शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था कोई वोटिंग नहीं कराई गई इसको। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया है, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। ये तीन कानून है, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो।